हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे काउंटर के बारे में, एक ऐसे शेयर के बारे में जिसमें कि जो इन्वेस्टमेंट होगा दैट विल मेक यू रिचेस्ट, जो कि आपको बहुत अमीर बनाएगा, बहुत पैसा देगा कमा के आपको, और इतना पैसा आपको बना के दे सकता है अगले 5 सालों में जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। बट आपका निवेश जो होगा वो बहुत ही सही तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ होना चाहिए। इस काउंटर के अंदर निवेश SIP के माध्यम से होना चाहिए, कंटिन्यूसली निवेश होना चाहिए। हर महीने आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी इस काउंटर की खरीदते रहिए और अगले 5 सालों में आपको मल्टी 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 फोल्ड रिटर्न्स इस काउंटर में मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये स्टॉक है। फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अंडर प्रेशर है, बट अगले 5 से 10 सालों में जो सबसे ज़बरदस्त जो सेक्टर होगा वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का सेक्टर, और उसी सेक्टर से जुड़ा हुआ ये काउंटर है जिसके फंडामेंटल्स काफ़ी शानदार हैं और ये फिलहाल अपने डिस्काउंटेड रेट पर आपको इस वक्त अवेलेबल है। काउंटर में पूरी बात करेंगे, आपको बेहतर लेबल्स भी बताएंगे, प्रॉपर जो भी स्टॉप लॉसेज होंगे, रेजिस्टेंसेज होंगे, वो सब के बारे में बताएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, जल्दीबाजी में निवेश मत कीजिएगा और बल्क क्वांटिटी खरीदने से बचिएगा आप लोग। तो चलिए बात करते हैं काउंटर के बारे में। दोस्तों, ये काउंटर है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड का। यहाँ पर हम लोग आपको बात करते हैं IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, जो कि इनकी वेबसाइट आपकी खुली है, आप देख सकते हैं। इनका जो बेसिक प्रोजेक्ट बेसिस रहता है वो हाईवे प्रोजेक्ट्स के रहते हैं, BOT प्रोजेक्ट्स होते हैं, HAM प्रोजेक्ट्स हैं, एयरपोर्ट डिवीजन्स हैं। बाकी इनकी जो प्रेजेंस है वो स्पेशली जो सबसे ज़बरदस्त प्रेजेंस है वो है साउथ वेस्ट सिटीज़ के अंदर, इनकी प्रेजेंस सबसे ज़्यादा है। हालांकि नॉर्थन साइड में भी इनकी कुछ प्रेजेंस है, बट ईस्टर्न जोन में इनकी फ़िलहाल प्रेजेंस कम है। ओके, सो ये IRB इंफ्रा की वेबसाइट है जिसमें आप जाके देख सकते हैं पूरा कि इनके जो BOT प्रोजेक्ट्स हैं, HAM प्रोजेक्ट्स हैं एंड O&M ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर चल रहे हैं। ये आपको पूरा डिटेल यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये प्रोजेक्ट बेसिस हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कंपनी के बारे में ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। जो IRB वेबसाइट, IRB की जो स्टॉक है, इसका जो कंपनी का जो BSE का कोड है, यानी कि जो BSE में जो लिस्टेड है कंपनी, वो 532947 कोड के साथ लिस्टेड है, जबकि NSE में IRB जो है वो इसका कोड है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जनरल सेक्टर की ये कंपनी है। फिलहाल 152.70 रुपये, 152.7 रुपीज़ का फिलहाल काउंटर का प्राइस है करंट। और यहाँ से अगर आप लॉन्ग करते हैं तो आपको जो स्टॉप लॉस होगा वो 145 का होगा। शॉर्ट टर्म कॉलिंग रहेगी, शॉर्ट टर्म की कॉल जो है वो काफ़ी अच्छी है। 145 रुपीज़ के वीकली स्टॉप लॉस के साथ आप काउंटर पर बनिएगा, लगभग 180 से 190 रुपये का लेवल आपको अगले 2 से 3 महीने में इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। ओके, बट ग्रेजुअली चलेगा, आप एकदम से सडन वी शेप मोमेंट इस काउंटर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि काउंटर बहुत ही बढ़िया है, आपको ग्रेजुअली ये 180 से 190 के लेवल तक डेफिनेटली लेके जाएगा आने वाले समय में। HDFC सिक्योरिटी ने भी लगभग 256 का टारगेट दिया हुआ है इस काउंटर के अंदर, यानी कि 100 रुपीज़ ऊपर का जो टारगेट है वो HDFC सिक्योरिटी का है IRB इंफ्रा के अंदर। इसके अलावा मिड कैप की एक कंपनी है, P 6.16 है, जबकि इंडस्ट्री P 22.68, यानी कि काफ़ी लोअर P पे ये ट्रेड करता हुआ। अगर प्राइस टू बुक की बात करेंगे तो 0.94 प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि डिस्काउंटेड रेट पे काउंटर आपको अवेलेबल है। EPS 24.76, शानदार EPS है। फेस वैल्यू 10 है और आप समझ सकते हैं 10 की फेस वैल्यू पर ये आपको एक बेहतरीन शेयर अवेलेबल है लो प्राइस पर। डिलीवरेबल्स फिलहाल 19% के, यानी कि अभी फिलहाल ट्रेडिंग जोन में है ये काउंटर। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी के पास जो प्रमोटर्स हैं उनके पास लगभग 57.5% का स्टेक प्रमोटर्स के पास है अकेले। एंड इसमें सबसे बड़ी जो निवेश है वो QFIs का है, चूँकि लगभग 21% के आसपास QFI ने निवेश किया हुआ है। साथ ही म्यूचुअल फंड्स ने भी लगभग 9.5% का स्टेक ओन किया हुआ है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स का भी लगभग 3.7% इन्वेस्टेड है। प्लेजिंग अगर हम देखते हैं तो 0.25% की प्लेजिंग है ओनली शेयर्स की, तो ऑलमोस्ट कंपनी के सारे शेयर्स फ्री हैं, रिलीज हैं, किसी भी तरह की प्लेजिंग नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल्स में दोस्तों कंपनी की का जो डेट है वो पिछले 5 सालों में हाईएस्ट है इस वक्त, लगभग 4750 करोड़ के आसपास। बट जो नेटवर्थ है, जो रिजर्व्स है, वो भी पिछले 5 सालों में हाईएस्ट लेवल पर है इस वक्त। ओवरऑल फंडामेंटल्स मुझे बेहतर लग रहे हैं कंपनी के। जो बुक वैल्यू 71 रुपीज़ 40 पैसा के आसपास है 2018 के हिसाब से। एंड यहाँ पर हम लोग बात करेंगे काउंटर के ईयरली रिजल्ट्स की।
ईयरली रिजल्ट्स में अगर बात करते हैं तो पिछले जो मार्च 18 में जो नंबर्स आए हैं वो थोड़े से गिरावट के साथ आए हैं एज़ कम्पेयर टू मार्च 17, और जिसका जो इम्पैक्ट था वो हमें काउंटर के प्राइस में देखने को मिला IRB में। पिछले काउंटर ने पिछले महीने लगभग 117 रुपये का लोअर लेवल टच किया था। एंड नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 444 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है, जो कि मार्च 17 के मुकाबले ऑलमोस्ट दुगने से भी ज़्यादा है। सो बॉटम लाइन तो काफ़ी बेहतर है, बट टॉप लाइन में कुछ वीकनेस है। हाफ ईयरली नंबर्स की बात करें अगर सितंबर हाफ ईयरली की एज़ कम्पेयर टू सितंबर 17, तो यहाँ पर हम लोग आपको एक बार हाफ ईयरली नंबर्स भी दिखा देते हैं। लगभग 1600 करोड़ के आसपास सितंबर हाफ ईयरली में टोटल नेट सेल्स रही है, जबकि सितंबर 17 जो हाफ ईयरली थी उसमें 1362 करोड़ की नेट सेल्स रही थी। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करते हैं तो जो नेट प्रॉफिट था वो लगभग 240 करोड़ से घटकर 198 करोड़ आ चुका है, यानी कि इस छमाही में जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हुए हैं, कम हुए हैं, घटे हैं, और जिसका जो मेन रीज़न है वो रुपी का डेप्रिसिएशन होना भी माना जाता है। दूसरी चीज़ जो रियलिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अभी दबाव है वो भी माना जा रहा है, और जो रेरा सेगमेंट आपका आया है वो भी कहीं ना कहीं उसके भी इम्पैक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ओवरऑल काउंटर में फिलहाल वीकनेस है, बट जिस तरह से काउंटर अपना एक बॉटम आउट कर रहा है, एक बेस बना रहा है, मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ये एक बेहतरीन काउंटर साबित होगा अगले 5 सालों में। सो ये हमने बात की इसके फंडामेंटल्स के बारे में। इसके अलावा मैं आपको टेक्निकल्स भी थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट मुझे बहुत शानदार नज़र आता है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं मंथली चार्ट की, तो यहाँ पर एक बेस काउंटर ने बनाया, और वो बेस तकरीबन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। काउंटर ने लगभग जो बेस मेंटेन किया है 137 की मंथली क्लोजिंग के आसपास बेस मेंटेन किया है। हालांकि जो लोअर लेवल काउंटर ने टच किए थे मंथली चार्ट पर वो तकरीबन 117 के थे, यानी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, अगर वो निवेश कर रहे हैं तो आपका जो एग्जिट स्टॉप लॉस बनेगा वो मंथली क्लोजिंग अगर 117 रुपये के नीचे होती है तो आप एग्जिट करेंगे, क्योंकि उसके बाद काउंटर आपको 100 रुपीज़ से नीचे 80 रुपीज़ तक भी जाता हुआ दिखाई देगा, तो वो आपके लिए बेहतर समय होगा दोबारा से रीएंट्री करने का। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा मंथली चार्ट पे, वो रेजिस्टेंस अगर आपको क्लोजिंग बेसिस पे देखते हैं अगर हम, तो वो रेजिस्टेंस तकरीबन 187 से 190 रुपीज़ का रहेगा, यानी कि अगर मंथली चार्ट में ये कैंडल 190 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है देन उसके बाद इस काउंटर में एक बुलिश मोड दिखाई देगा, जो कि काउंटर को लगभग 220 से लेके 250 की रेंज तक लेके जा सकता है। ओवरऑल फिलहाल जो टारगेट रहेगा हमारा वो लगभग 180 से लेके 190 के बीच का टारगेट रहेगा, जहाँ पर आप लोग टेक प्रॉफिट कर सकते हैं। मंथली चार्ट में पैटर्न बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ से पिछले 2 महीनों में जाते कि आपने देखा कि पिछले महीने में 117 रुपये से रिकवरी करके काउंटर ने जो क्लोजिंग दी 139.60 पे दी है, और करंट मंथ यानी नवंबर में भी काफ़ी बढ़िया एक ग्रीन बुलिश कैंडल क्रिएट हुई है। तो ये आपको एक बुलिशनेस का इंडिकेशन देते हुए कि काउंटर में अगले 3 से 4 महीने के अंदर हमें लगभग 190 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट ग्रेजुअली बीच बीच में कंसोलिडेशन भी आएगा। सो ये हमने IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, सही स्ट्रेटजी के साथ इस काउंटर में निवेश आरंभ करेंगे। बल्क बाइंग से बचिएगा, क्योंकि जनरली आप लोगों को लगता है कि एक ही दिन में सारा पैसा हम लोग कमा लेंगे और अमीर बन जाएंगे, बट दैट इज़ नॉट अ ईजी टास्क। हमारा बहुत ही मेहनत का पैसा है, तो आप लोग हर गिरावट पर एक एक स्ट्रेटजिक मोड में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और इसीलिए मैंने आपको स्क्रीन पर इस तरह की इमेज दिखाई है, जिसमें कि दिखा रहे हैं कि हर महीने यानी थोड़ा थोड़ा निवेश आप करते रहेंगे तो आपका मनी हमेशा बढ़ता रहता है, कभी भी घटता नहीं है। अगर आप एक बार में ही सारा पैसा लगा देंगे देन प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट डेट विल मेक यू रिचेस्ट, और आपका IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड एक ऐसा ही काउंटर है जो कि आपको बनाएगा अमीर अनएक्सपेक्टेडली अगले 5 सालों के अंदर। सो दोस्तों निवेश कीजिए लगातार एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। इन्वेस्टमेंट से पहले एनालिसिस भी कीजिएगा, अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से उनसे भी सलाह लीजिएगा, और उसके बाद ही किसी भी काउंटर में अपनी पोजीशन को बनाइएगा या घटाइएगा। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे कुछ और नए काउंटर्स के साथ, कुछ और बेहतरीन पिक्स के साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल मनी ट्री को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।